हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबीजीटेक में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वजीरेक्स एक्सचेंज में मनी किस तरह से डिपॉजिट किया जाता है इसके बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मनी डिपॉजिट करते समय हमें वजीरेक्स या कॉइनस्विच एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम अभी फेस करने पड़े हैं, और हाल फिलहाल में बहुत सारे प्रॉब्लम के बाद अभी वजीरेक्स की तरफ से एक ऑप्शन हमें देखने को मिला है जिसकी मदद से हम वजीरेक्स में मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप मनी किस तरह से डिपॉजिट किए जाते हैं वजीरेक्स एप्लीकेशन में। तो ये जो वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेना है, और इसके बाद आपको फंड के ऊपर आना है। तो फंड के ऊपर आने के बाद आपको अगर मनी डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर INR के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिपॉजिट का ऑप्शन। तो डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक है इंस्टेंट डिपॉजिट और वजीरेक्स P2P। वजीरेक्स P2P के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जानते हैं P2P क्या होता है। तो इंस्टेंट डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टेंट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एक अमाउंट एंटर कर लेता हूँ, जैसे मैं 130 रुपये यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि जिस अकाउंट से आपको डिपॉजिट करना है उस अकाउंट का इस एप्लीकेशन से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा मत कीजिए कि आप अलग एप्लीकेशन से इसमें पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं और आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो इससे लिंक है मनी विड्रॉ करने के लिए, वो अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सेम अकाउंट से ही डिपॉजिट और विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। वैलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मोबीक्विक के ऊपर आना है। तो ये मोबीक्विक जो एप्लीकेशन है ये पेमेंट प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर काम में आती है, और मोबीक्विक एप्लीकेशन में आपको आपका KYC कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने KYC नहीं किया तो आपको यहाँ पर आगे की प्रोसेस जो है वो दिखाई नहीं देगी। जैसे मैं मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेक पेमेंट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर करना है। तो ये जो स्क्रीन है ये आपको नहीं मिलेगी अगर आपने मोबीक्विक में अपना KYC नहीं किया है। तो जब भी आपको पैसे डिपॉजिट करना है तो मोबीक्विक एप्लीकेशन आपको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है, और उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहां से आपको KYC करने के बाद ये सारी प्रोसीजर करना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, और सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर OTP एंटर कर दिया है, और यहाँ पर सबमिट के ऊपर हमें क्लिक करना है। तो इस तरह से हमने कर दिया, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 2.30 रुपये का एक्स्ट्रा अमाउंट हमें लग रहा है। और यहाँ पर अगर आपके पास मोबीक्विक में कोई कूपन है तो कूपन भी आप लगा सकते हो, जिससे आपको पैसे एंटर करने में फ़ायदा हो जाए। लेकिन मेरे पास कोई कूपन अभी अवेलेबल नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैलेंट बैलेंस भी मेरे पास यहाँ पर मोबीक्विक में है। तो और यहाँ पर आप देख सकते हो UPI के थ्रू हम पेमेंट करने के लिए एक मोबीक्विक का UPI जो है वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शो हो रहा है। उसी तरह से और भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, जैसे नेट बैंकिंग दिया गया है। नेट बैंकिंग में आने के बाद आपको ICICI और HDFC बैंक का आपको डिफॉल्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसी तरह से आप अदर बैंक भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जिस बैंक में आपको आपका नेट बैंकिंग के थ्रू डिपॉजिट करना है। उसी तरह से न्यू कार्ड्स का ऑप्शन है, कार्ड्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो, और पे लेटर का एक ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हो। UPI की तरफ हम आते हैं और यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन, यानी मोबीक्विक की तरफ से अब हमें एक नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन ऊपर साइड में यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें 122.35 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे UPI वैलेट में 9 रुपये ऑलरेडी थे, इसलिए वो 9 रुपये कट के मुझे इतने कम अमाउंट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आगे प्रोसेस करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ 122.35 हमारे टोटल पेमेंट दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हमें मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने हमारा UPI में जो पासवर्ड है वो एंटर कर लिया, और यहाँ पर राइट क्लिक करना है। तो ये देखिए, ये हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यू पेड ऐसा लिखा हुआ है, और ये मोबीक्विक की तरफ से हमारा पेमेंट जो है वो जा चुका है।
तो चलिए चलते हैं ऐप के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिपॉजिट सक्सेसफुल ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ट्रांसफर इज सक्सेसफुल एंड कम्प्लीटेड, इस तरह से हमें ये सब दिखाई दे रहा है। तो अभी कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे और बैलेंस चेक कर लेंगे हम अपना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बैलेंस जो था वो पहले -5 पैसा था, अभी वहाँ पर 124 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको वजीरेक्स एप्लीकेशन में डिपॉजिट करना है। इस तरह से ये हमारे 124 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुके हैं और यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।